हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है भाई दूज और सुबह सुबह मैं अपने भगवान जी की पूजा कर रही हूं, क्योंकि मैं अपने भाई को टीका नहीं कर पाती हूं, वो बाहर रहते हैं। तो शादी के बाद मेरा कभी ऐसा पड़ा ही नहीं कि हम दोनों साथ में रहे हों और मैंने अपने भाई को टीका किया हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था पोहा और पीहू ने खाया है ओट्स, क्योंकि उसे मिर्ची लग रही थी तो मैंने उसके लिए मिल्क वाले ओट्स बनाए हैं। और पीहू यहाँ अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दी है, ये देखिए, क्योंकि अभी छुट्टियों में वेकेशन में बहुत सारा होमवर्क मिला है तो मैंने सोचा चलो रोज़ थोड़ा थोड़ा इसको कराते हैं। तो बस पीहू का कल ए लिख गया है और पीहू की डॉल पीछे पड़ी हुई है, पीहू का सामान पड़ा हुआ है। और आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ पीहू का होमवर्क करा के। तो मैं अभी यहाँ पीहू को पढ़ा रही हूँ और ये मैं कुछ कपड़े मैंने कल वॉश किए थे तो वो मैं सूख गए थे, बट मैंने उनको फोल्ड नहीं किया था क्योंकि कल हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे, फिर आए उसके बाद डिनर विनर करने के बाद काफ़ी लेट हो गया था। तो बस वो कपड़े रखे हुए थे तो मैंने इनको अब फोल्ड करने के लिए उठाया है। और साथ ही मैं पीहू को मैं बताती जा रही हूँ कि ऐसे लिखना है, तो लेकिन वो ज़रा सी देर में देखिए भाग रही है। पढ़ने में मन तो लगाती है बट बच्चों का तो क्या है, वो तो खेल में लग ही जाते हैं और बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, आप लोग खुद जानते होंगे इस बात को। देखिए मैं उसको बोल रही हूँ बट वो सुन नहीं रही है और मैं उसको हंसी से मतलब कुछ कुछ समझा रही हूँ, बाबू तुम ऐसे करो, बेटा तुम ऐसे करो। तो वो देखिए अब आ गई है लिखने के लिए। और यहाँ आप पीहू की मस्ती देख सकते हैं, वो क्या कर रही है, बार बार परेशान कर रही है मुझे, इधर आती है कभी उधर आती है। मैं उसको समझा रही हूँ बाबू बैठ जाओ, पर वो मान नहीं रही है और वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है, कह रही है मैं वीडियो में आऊँगी, और मैं उससे कह रही हूँ नहीं आप पीछे बैठ जाओ। तो वो वही हम दोनों बातें कर रहे हैं। अपनी अलमीरा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि चाहे जितना भी क्लीन कर लो बार बार थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है। तो मैं अपने सारे टॉप को अरेंज कर रही हूँ और फिर उसको जगह पे सेट कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। और आज लंच में मैं बनाऊँगी राजमा, तो उसके लिए मैंने राजमा रख दिया है सीटी लगने के लिए। और फिर लंच बनाते टाइम फिर आपसे मैं मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और अभी मैंने अपने फेस पे लगाया था एक फेस पैक, DIY फेस पैक था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और मैंने कुछ भी नहीं किया था अपने फेस पे, तो मैंने सोचा चलो स्क्रब करती हूँ और लगाती हूँ फेस पैक। तो वो मैंने लगाया और मैंने वॉश कर लिया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़ा मन हुआ करने का तो कर लिया। हम लेडीज़ें ऐसे ही होती हैं, काम में बिज़ी हो जाते हैं और जब कोई फेस्टिवल होता है तभी बस फिर अपने आप को पैम्पर करते हैं। तो करवा चौथ पे मैंने किया था, उसके बाद इतने दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं किया अपने फेस पे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ। और चलिए अभी मेरा एक काम तो ख़त्म हो गया है, पीहू को मैंने थोड़ा पढ़ा भी लिया है, अब मुझे बनाना है लंच, तो वो मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। अभी 11:15 हो रहे हैं तो काफ़ी टाइम है मेरे पास अभी लंच के लिए, तो थोड़ा सा मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं लंच के टाइम आपसे मिलती हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी।
फ्रेंड्स, आपने देखा पीहू को बहुत मन हो रहा था स्कूटर चलाने का, तो मैंने उसको थोड़ी देर स्कूटर चलवाया है, बट वो अभी थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये अभी छोटी है ना, तो इसको अभी अकेले मैं नहीं दे सकती हूँ वो स्कूटर। और तो चलिए अब मैं खाना बनाने के लिए, और मैंने यहाँ राजमे को फ्राई कर दिया है और फिर से सीटी लगा दिया है क्योंकि उसमें अच्छे से वो गल जाएंगे। और मेरे राजमे पक गए हैं, अब मैं इसको कढ़ाई में निकाल लूँगी और फिर इसी कुकर को पानी से वॉश करके इसमें चावल को मैं लगा दूँगी, सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। फ्रेंड्स, मेरा लंच बिल्कुल तैयार है, आइए आप भी मेरे साथ लंच कर लीजिए। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी शाम हो चुकी है और मैं और पीहू नीचे वॉक कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो बस हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं, दो चार दिन मतलब काफ़ी दिन हो गए और हम लोग वॉक पे नहीं आए थे, तो बस थोड़ा सा सामान लेना था वो लेकर के आ गई हूँ मैं। और अब देखें यहाँ पीहू झूला झूल रही है, अब ऊपर चल के मैं अपना डिनर बनाऊँगी। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ मैं पापड़ी, चाट और सोहाल, जैसा कि मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो वही थोड़ा सा मैदा रखा था तो मैंने मैदा लिया है और मैं इसको थोड़ी सी पापड़ी बना रही हूँ। अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो लगता है हाँ ये चीज़ बना लो वो बना लो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के अच्छा लगता है फेस्टिवल में। तो ये मैंने पापड़ी बना ली है और तल के मैं इसको निकाल लूँगी। और आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, इसकी मैं टिकिया बनाऊँगी, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस हम दो लोग ही खाते हैं। पीहू के लिए मैं एक बिना मिर्चे की बना दूँगी, मतलब बिना मिर्च की। तो ये देखिए मैंने इसको देसी घी में टिकिया को फ्राई कर लिया है, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सैलो फ्राई कर रही हूँ। और मैंने मटर वाला चाट भी रात में भिगो दिया था, मतलब सुबह भिगो दिया था, और इसको भी मैंने दो तीन सीटी लगा करके अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो ये चाट मटर भी तैयार है और अब मैं अपनी यहाँ पे टिकिया लगाऊंगी। तो हमारा डिनर तैयार है, आइए आप भी गर्मा गर्म यम्मी चाट हमारे साथ खा लीजिए। और चलिए फिर अब मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो डिनर करने के बाद हम लोग आ गए थे डी मार्ट में, कुछ सामान लेना था, घर का सामान ख़त्म हो रहा था जैसे कि मैंने पहले से व्लॉग में आपको पहले ही बता दिया था। तो वही सब हम लोग लेने आ गए हैं, जल्दी से अपना सामान रखेंगे। हम लोग 9:30 बजे आए हैं और फिर सामान रखेंगे। और पीहू देखिए यहाँ पर कैसे बैठी हुई है ट्रॉली में, उसको बहुत अच्छा लगता है इस ट्रॉली में बैठ करके घूमना। तो बस मैं यहाँ पे सन ढूंढ रही हूँ फॉर्च्यून का ऑयल, सरसों ऑयल, और सामान रख करके फिर जल्दी से सामान रखते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और आज देखिए डीमार्ट में कितना ज़्यादा खाली है, मतलब डीमार्ट में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये दिया देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे वो चॉपर है जो कि हम लोग इसमें घर पे यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, काफ़ी अच्छा चॉपर है। और अभी देखिए डीमार्ट में भी आ गया है, तो बस अब हम लोग यहाँ से सामान लेकर के घर चले जाएँगे और फिर मैं आपको कल दिखाऊँगी अपने आने वाले कल के व्लॉग में कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।
बाय।